हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये तुलसी का प्लांट है, तो इसकी केयर हम कैसे करते हैं, क्योंकि तुलसी का प्लांट बहुत औषधि से भरपूर होता है और आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तुलसी माता है जो आपके लिए, घर के लिए बहुत शुभ होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें तुलसी के प्लांट के लिए गमला बहुत गहराई वाला चाहिए, जिससे उसकी जड़ें बहुत आसानी से फैल सकें और पौधे का विकास बहुत अच्छे से हो सके। और इसको 7 से 8 घंटे की धूप बराबर चाहिए तुलसी के प्लांट को, और इसमें ओवर वाटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसको प्रूनिंग हमेशा करते रहिए, प्रूनिंग करेंगे तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और इस तरीके से हमें प्रूनिंग करनी है प्लांट में। ये देखिए, ऊपर की टिप है हमें हटा देनी है, तभी हमें प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और बरसात में ज़रूरी है प्लांट लगाए, बहुत हेल्दी ग्रोथ होगा जिससे हमारा प्लांट बहुत घना हो जाएगा प्रूनिंग करने से। और इसको धूप भी बहुत ज़रूरी चाहिए। तो मैं बरसात में ये सारे प्लांट लगा दिए गए थे, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है। और इस तरीके से हमें हर प्लांट में प्रूनिंग करनी है। जितने ही आपके प्लांट हैं तभी आपके प्लांट को घना बनाया जा सकता है। और इसमें हमें कम केयर करनी है, फिर भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा अगर आपका प्लांट सूख रहा है तो। इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ बनानी है और बहुत वल्टन बनानी है। गोबर की खाद वगैरह इसको चाहिए, और ज़्यादा हमें इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जब हमारा प्लांट सूख जाए तभी हमें ओवर वाटरिंग, प्लांट सूखने लगे, मिट्टी सूखने लगे तभी हमें प्लांट में पानी देना है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में केयर कर सकते हैं। और तुलसी का प्लांट है कोई भी, इसमें कई वैरायटी आती हैं, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी और भी आती हैं। तो इसको हम अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं प्लांट में। बरसात में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और अगर आपका प्लांट सूख रहा है तो मैं किचन में रखी हुई कुछ चीज़ें हैं उसको डालनी है, और आपका प्लांट बहुत हरा भरा हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ है चाय पत्ती, ये किचन से निकाली है, तो इसको आप डालिएगा अपने प्लांट में। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट में गुड़ाई कर देनी है इस तरीके से, और तभी हमें अपने प्लांट में डालनी है ऊपर से थोड़ी थोड़ी, बस थोड़े सा ही डालना है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट में, तुलसी वाले प्लांट में थोड़ी सी चाय पत्ती ही डालनी है इस तरीके से। देखिए आसपास हमें डालना है, और आपका प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा। और जितने भी प्लांट हैं उसमें आपको बस यही करना है, चाय पत्ती डालनी है गुड़ाई करके, और 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को सूखते हुए बचा सकते हैं और इसकी केयर कर सकते हैं। और बरसात में आपने प्लांट लगाया है तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट चलेगा। और ये बरसात में लगाए गए हैं तभी बहुत हेल्दी ग्रो हो गए हैं। इसमें बरसात के पानी में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे प्लांट हमारा बहुत हरा भरा हो जाता है। और किचन से रखी हुई चाय पत्ती आप अपने प्लांट में दीजिए, बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो होगा। और आपका प्लांट सूख रहा है तो वो भी सूखने से बचेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और साथ इसको धूप में रखिए, और इसमें ज़्यादा पानी मत दीजिए। जब मिट्टी ऊपर की सूख जाए तभी आप इसमें पानी दे सकते हैं। हमारे पास कितने सारे तुलसी के प्लांट हैं, ये देखिए, एक ये है तुलसी का प्लांट, एक ये सब मैंने बरसात में लगा दिए हैं, तभी बहुत जल्दी हेल्दी ग्रो हुए हैं। बहुत सिर्फ चाय पत्ती आपको डालनी है खाद में, या गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालिए, और इससे आपके प्लांट बहुत अच्छे से केयर होगी। तो इस तरीके से आप अपने तुलसी के प्लांट में इस तरीके से केयर
कर सकते हैं और घना बना सकते हैं। इसकी पूनिंग करने के बाद तुलसी के प्लांट की पूनिंग कीजिए, तब आपका प्लांट बहुत घना बन जाएगा और बरसात में ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। तो ये तुलसी का प्लांट ज़रूर लगाएं आप अपने गार्डन में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।